आज की रेसिपी है हमारी दही के कबाब। यह है दही जिसका हमने पूरी तरह पानी निकाल दिया है और अब बनाने वाले हैं हम इसके कबाब। तो आज बनाएंगे हम दही के कबाब। बेसिकली नॉर्थ इंडियन फूड के अंदर एक कबाब है दही के कबाब, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कबाब है। मैक्सिमम हम पनीर पर ज़्यादा डिपेंड भी रहते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं दही के कबाब, क्योंकि पनीर से ऊपर भी बहुत सारे कबाब के बहुत अच्छी चीज़ें बनती है वेजिटेरियन में। आज जो दही के कबाब हैं इसके लिए हम लोग डालेंगे इंग्रेडिएंट्स, ये वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके लिए अदरक बहुत ज़रूरी है, ये किशमिश है चॉप, ये हरी मिर्च है, धनिया है, और ये जो है ये है अपना इलायची पाउडर, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी और डालेंगे रोस्ट चने का पाउडर। ये रोस्ट चने का पाउडर है, मार्केट में रोस्ट चना मिलता है और उसको लेके हमने ब्लेंड किया है, उसको पीस दिया है, और उसके बाद अब हम इसको मिलाएंगे कबाब में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा डालना है इतना जिंजर और एक किशमिश जो है, कम से कम 10 से 15 किशमिश को आप पूरी तरह चॉप कर लीजिए, और इसके बाद इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च। तो इसके बाद और थोड़ा सा डालिए इसमें ये धनिया, ठीक है, और डालना है जी इसमें एकदम हनी, ये डाल दिया हमने इसमें शहद, स्पाइसी हल्का सा लाना है हमें इसमें ग्रीन चिल्ली से, और फिर डालना है इसमें सॉल्ट, इतना डाल देना इसमें सॉल्ट। अगर जब आप यूज करना चाहते हैं तो इसमें हल्की सी कस्तूरी मेथी ऐड करनी है, ये देखिए कस्तूरी मेथी बहुत कम मात्रा में, और मसाले में शुद्ध तो इसमें डालना है हमको जितने भी चॉप, जैसे इसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं चॉप करके, खजूर भी बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें हमने जब आप खजूर डालेंगे तब इसमें आप वो मत डालिएगा, हनी मत डालिएगा, क्योंकि हनी का और खजूर का जो टेस्ट है साथ में मीठा भी है, बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाएगा और साथ में अच्छा भी नहीं होगा, तो एक ही चीज़ डालिएगा। आज हमने इसमें शहद डाला, अगर शहद की जगह पर आप इसमें खजूर डालेंगे तो और बेहतर होगा। ये डाल दिया हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, ठीक है, अब डालना है हम इसको 2 से 3 चम्मच जो है लार्ज में रोस्टेड चना पाउडर, ये रोस्टेड चना पाउडर डाल दिया, इसको मिलाना है, ये हमें इतना मिला रोस्ट चना पाउडर जो है इस हिसाब से मिलाना है ताकि इसकी टिक्की बन सके, और एक बेहतरीन कबाब है जब हम इसको सर्व करते हैं और चटनी के साथ इसको खाते हैं तो ये बहुत ही लाजवाब होता है, हेल्दी भी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो दही है उसका अच्छे से निकालना है पानी, जिसको हैंग कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जब पानी सूख गया पूरी तरह फिर आप डालिएगा। अगर आपका दही थोड़ा सा ढीला है, दही गाढ़ा नहीं हुआ, तो आप इसके जगह पे भी आप इसमें वो डाल सकते हैं, थोड़ा पनीर ऐड कर सकते हैं, तो आप पनीर भी ऐड करेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी जैसे मैदा है वो ये चीज़ें अवॉइड करिए, तो मैदा इसमें नहीं डालेंगे तो उतना अच्छा ही होगा। चलिए अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और टिक्की बना के इसको सेलो फ्राई करेंगे। अभी जो है इसकी टिक्की बनाएंगे, ये बहुत बढ़िया होगी जब आप इसमें थोड़ा सा, जब इसमें अपन रोस्टेड चना पाउडर डालेंगे तो थोड़ा रेस्ट दीजिए, थोड़ा रेस्ट का मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे फ्रिज में रखना जब रेस्ट देने के लिए, आप बाहर मत रखिएगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो बाहर भी रख सकते हैं, तो क्या होगा उतनी देर में थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, और फिर इसकी इस तरीके से हमें बनानी है छोटे छोटे गोल गोल टिक्कियाँ, इस तरीके से, यह इस तरीके से टिक्की बनानी है। देखिए कितनी सुंदर सी टिक्की हो रही है, धनिया की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, धनिया ऊपर से दिखे तो धनिया की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। यह है टिक्की, और अब हम टिक्की को डालेंगे इस नॉनस्टिक पैन पे, ठीक है ना, इसको इस तरीके से रखें, और नॉनस्टिक का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे ही आपने टिक्की रखी और रखने के बाद इसके ऊपर से जो है हल्का सा डालनी है सीसम सीड, ऐसे तिल डाल दीजिए, पहले भी लगा सकते हैं पर अपन थोड़ा सा कम डालते हैं, करना है एक साइड में, बहुत स्लो आंच पर रखनी है आपको इसको,
जब इसकी आंच बहुत स्लो होगी तब इसमें बहुत सुंदर सा कलर आएगा। अगर आप हीट करोगे ज़्यादा तो ये जल जाएगा, तो फिर बढ़िया नहीं होगा। मैंने इसलिए इसमें तिल फैलाया, जब हम पलटी मारेंगे तो तिल लग जाएगा। आप टिक्की में पहले भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम खाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि तिल क्या है जल जाएगा। अगर हम पहले ही उसमें उस साइड को तिल डालेंगे तो जलने का चांसेस थोड़ा है। जैसे ही हल्का सा कलर आया तो आप इसको इस तरीके से पलटी मारनी है। ये देख लीजिए कितना सुंदर सा कलर एकदम आया है इसका पेटी का। यस ये जब हम सेक लेंगे ना इसको हल्के से, तो इसमें जो है तिल ऊपर से थोड़ा रोस्ट भी होगा, क्योंकि तेल की मात्रा आपको बहुत कम रखनी है, घी बहुत कम रखना है। और ऑलिव ऑयल में इसको आप करिए, जब ऑलिव ऑयल डाल के सेकेंगे ना तो बहुत सुंदर होएगा। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो घी। ओके, जो अभी जैसे कबाब आप देखेंगे तो कबाब है पूरी तरह से तैयार एकदम। ये देखिए बिल्कुल एकदम कलर, और जितनी कम मात्रा में हो उतनी कम मात्रा में आप इसमें तेल डालिएगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा कलर, खूबसूरत सा। अब हम ये पैन को जो है चूल्हे से गैस बंद कर देंगे और इसको रख देंगे थोड़ा सा इस तरीके से साइड में, ताकि हल्की सी इसमें सेक। आप इस तरीके से कि भी जब आप प्लेटिंग करेंगे, प्लेट में सजाने के लिए रखेंगे, तब तक इसी में रखिएगा। अभी इसकी हम लोग करेंगे प्लेटिंग। अगर आपको मिंट चटनी अच्छी लगती है तो पुदीने की चटनी के साथ, मिंट चटनी जो है उसके साथ ले सकते हैं आप इसको, इसकी सौंठ की चटनी के साथ ले सकते हैं, जिसको इमली की चटनी के साथ ले सकते हैं, खजूर की चटनी, पाइनएप्पल की चटनी, या हर चटनी के साथ अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको आप किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर देंगे प्लेटिंग, वेरी सिंपल। ये आपका फ्रेश सैलेड होगा, साथ में इसके कबाब्स होंगे, और जो है घर बैठे बैठे आप इसको बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ, ज़्यादा झंझट नहीं है, और आप कर सकते हैं इंजॉय इस तरीके से। और हल्का सा हम इसमें डाल देंगे ऊपर से इस तरीके से धनिया, और थोड़ा सा मारेंगे इसमें चाट मसाला। और हल्का सा डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। तो साहब रेडी हो दही के कबाब। तो इस यह है दही के कबाब, और इसके साथ ना बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे छेने का आप कबाब बना सकते हैं, बाकी चीज़ों के भी आप कबाब बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे कबाब हैं जो आप घर पे बना सकते हैं इजीली, चाहे दाल के पीस के भी बना सकते हैं। तो ये दही के कबाब हैं, इसे आप और भी चीज़ों के बारे में वेरी इजीली जो है वो रेसिपीज तो सेम रहती है, बाकी उसके ऊपर का जो है बनाने का टेक्निक थोड़ा बहुत चेंजिंग है। जैसे छेना है तो दही की जगह पर अपन छेना ले लेंगे, छेने का बना लेंगे। तो आप इसको इंजॉय करिए, वेरी लेस ऑयल में ये फूड बनता है और हेल्दी है। तो आप इसको एंजॉय करिए और हमारा पेज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मिलते हैं अगले दिन।